जरूर। आज फ्राइडे है इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि लंच मत करो, कंटिन्यूएशन में काम करो। आई विल टेक लंच मत करो मैडम, लंच मत बोल तो रही हूँ, लंच मत करो। अध्यक्ष जी, जब 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनी, उस व्यवस्था में, उस पार्लियामेंट में अपर मिनिस्टर बार बार इस प्रकार से नहीं लाना प्रस्ताव आगे बढ़ने से। यहाँ पे का निर्णय को हम पूरा कर रहे हैं। पूरी है, बोलिए। हाँ अध्यक्ष जी, उस बिल में, उस व्यवस्था में दोनों राज्यों की जब बंटवारा हुई, दो अलग अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया, दोनों राज्यों की विकास के बारे में आंध्र और तेलंगाना आगे कैसे बढ़ेंगे, सदन की दोनों कक्ष ने, लोकसभा और राज्यसभा ने उस पर विस्तार पर चर्चा किया, पहले भी चर्चा हुई, उस चर्चा के एक बढ़िया उपज थी, एक सोची समझी निर्णय था। आंध्र प्रदेश में एक विश्व स्तर की पेट्रोलियम एनर्जी इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी। अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश नया बन रहा है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद अलग हो गया, आंध्र के मन में रहा कि इसकी अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ाएं। 2014 में जो कमिटमेंट था एक एक्ट के माध्यम से, अभी की प्रधानमंत्री जी का विशेष जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है कि जो वचन संसद ने उनको दिया था आंध्र के विकास के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए, एक एक करके सारा विषय को पूरा करना है। उसी के अंदर ये शेड्यूल 13 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम में, वहाँ की स्किल मैन पावर बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी। मैं आपको शहर से सूचना देना चाहूँगा, पिछले एकेडमिक ईयर से आंध्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में IIP की पढ़ाई शुरू किया गया है, एक सोसाइटी बना के एक इंस्टीट्यूट की प्रारूप दिया गया है, उसकी प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था भी, फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी किया गया है, और एक बैच की पढ़ाई पूर्णांग हो चुकी है। खड़गपुर IIT को उसको मेंटरिंग करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया है, और इसी साल दूसरे बैच की एडमिशन भी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश हमारे लिए ऐसे एक महत्वपूर्ण प्रांत है, 40 साल पहले भारत की ऊर्जा क्षेत्र में मुंबई की ऑयल फील्ड की, गैस फील्ड की एक व्यावसायिक उपक्रम शुरू किया गया। कई सालों में ये समझ में आ रही है, उससे ज्यादा रिसोर्स कृष्णा गोदावरी बेसिन पे है, KG बेसिन जिसको हम मानते हैं और जानते हैं। KG बेसिन में चुनौतियां अलग हैं, गहरा समुंदर है, ऑयल की बजाय गैस की उपलब्धता ज्यादा है, और दुनिया में एनर्जी को खोज निकालने के लिए, विशेष करके हाइड्रोकार्बन एनर्जी को खोज निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, समय उपयोगी टेक्नोलॉजी, उसकी सही व्यावसायिक ढांचा, व्यावसायिक मॉडल, ये आवश्यकता है। मित्रों, सिर्फ अध्यक्ष जी, सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल होने से नहीं होती है, उसको मोनिटाइज करने के लिए अच्छे मानव शक्ति का भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब पुनर्गठन हुआ राज्यों की, आंध्र प्रदेश में
ये निर्णय किया गया आईआईपी करने के लिए। पिछले मार्च अप्रैल महीने में कैबिनेट ने यह फैसला किया कि उसको एक अलग एक्ट बना के उसको स्वतंत्रता दिया जाए। अब तक अध्यक्ष जी दो कोर्स में 50-50 विद्यार्थी की एडमिशन हो चुकी है 16-17 की एकेडमिक ईयर में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग की कोर्स पे। आंध्र सरकार ने 200 एकड़ की जमीन भी उपलब्ध कराया है। जैसे मैंने कहा कि खड़गपुर आईआईटी उसकी मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में काम करेगा, इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की मान्यता देने के लिए मैं आपकी सामने ये बिल लेके आए हूं। उसकी प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था जैसे मैंने कहा हुई है, इसमें लगभग सरकार की 650 करोड़ से ज्यादा व्यय करने की व्यवस्था भी है। सदन इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को एक कानूनी ढांचा पे परिवर्तन करने के लिए, उसको एक स्वतंत्र आइडेंटिटी देने के लिए, इसको एक नेशनल इंपोर्टेंस की इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सदन की अनुमति चाहता हूं और मैं निवेदन करता हूं माननीय सदन उस पे चर्चा करके परामर्श दे। राइट।